हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 18, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एज वेल एज द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी? कार्डियक एक्टिविटी मीन्स द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. ऑन व्हिच फैक्टर्स द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट डिपेंड्स, वेदर इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन और कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि आपको रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब जो हार्ट फंक्शनिंग करता है, पंपिंग करता है, एक मिनट में 5000 मिलीलीटर ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो वो कैसे करता है? आपको याद रखना है कि जो हार्ट है ये एक ऑटो रेगुलेटेड सिस्टम है, मतलब ये अपने आप ही काम करता है. पर यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिनको नोडल टिश्यूज बोलते हैं. और ये नोडल टिश्यू कहाँ से निकले होते हैं? नोडल रीजन से, नोड से निकले होते हैं. ठीक है, हार्ट में जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं उस नोड से जो टिश्यू निकले होते हैं उसको नोडल टिश्यू बोलते हैं. और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं. क्यों होते हैं स्पेशलाइज्ड? ताकि जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो अपने आप कर सके. इसलिए हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज, सो इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक. क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है कि जो हार्ट है, हमारी हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, उसको मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज ऑटोनोमसली रेगुलेटेड और ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक. सो आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में सुना होगा. मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको लेके बना है? हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट बोन्स मेडुला सेरेबेलम एलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट मेडुला ऑब्लोंगेटा. पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये मिलके क्या बनाएंगे? मेडुला ओब्लोंगेटा. मेडुला ओब्लोंगेटा मॉडरेट कार्डियक एक्टिविटी थ्रू ANS. ANS का मतलब होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर फिर से ये दो टाइप का होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो आप, न्यूरल सिस्टम भी बोल सकते हो. तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये कार्डियक एक्टिविटी को मॉडरेट करता है, मतलब कैसे प्रॉपरली फंक्शन करेगा, ना ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा, वो काम किसका है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. और ये किसके थ्रू करता है? ये करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये दोबारा से दो टाइप में डिवाइडेड है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट. तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं इट increases heartbeat. Heartbeat अगर कम होगा पेशेंट का या किसी पर्सन का, तो वो बढ़ाने का काम किसका है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक कंपोनेंट जिसका नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो हार्टबीट को इंक्रीज करेगा. और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? ये हार्टबीट को डिक्रीज करेगा. डिक्रीजेस हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा. तो एक का काम है इंक्रीज करने का, दूसरे का काम है डिक्रीज करने का. तो अगर किसी रीजन की वजह से कम हो जाता है हार्ट बीट, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बढ़ा देगा. अगर बढ़ जाता है किसी वजह से, तो ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? उसको कम कर देगा. इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हार्ट है इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर जो सोच समझ के काम करता है, पर ये सोच समझ के नहीं होता है. अगर सोच समझ के हम हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते तो किसी का हार्ट अटैक नहीं आता, कोई मरता ही नहीं, क्योंकि वो खुद कंट्रोल कर लेता. बट यहाँ पे ये दूसरा नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के नर्वस सिस्टम है, CNS PNS आपने सुना था, CNS PNS एंड ANS. ANS मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का बताया मैंने, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक. तो ये कंट्रोल करता है.
सिंपैथेटिक का काम है हार्ट बीट को इंक्रीज करना और पैरासिंपैथेटिक का काम है हार्ट बीट को डिक्रीज करना। तो एक इंक्रीज और एक डिक्रीज करके हार्ट बीट की फंक्शन को क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट करते हैं। साथ में ये जब डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, तो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ था एस ए एन रीजन में, उसको भी वो कंडक्ट कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हार्ट बीट प्रॉपर होता है और साथ में हार्मोनल एक्शन भी यहाँ पे होता है। हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, यहाँ पे बताया मैंने ANS। ANS के साथ साथ और एक फैक्टर है जो कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वो है हार्मोन। कौन सी हार्मोन, वो है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये इंक्रीज कर देता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। सिंपली अगर आपको तीन नंबर में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, तो सीधा लिखना है हार्ट इज मायोजेनिक मीन्स ऑटो एक्साइटेबल, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज मोटाइल टिश्यू एंड अनदर नर्वस सिस्टम नेम्ड एज ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज सिंपैथेटिक, अनदर इज पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक इंक्रीजेस द हार्ट बीट, वेयर एज पैरासिंपैथेटिक डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट एलॉन्ग विद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हार्मोनल एक्टिविटी ऑल्सो कंट्रोल्स द कार्डियक आउटपुट मीन्स द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड कैन ऑल्सो कंट्रोल द कार्डियक एक्टिविटी। सो दिस इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। Now we will study about disorders of heart. So let's see what are the different type of disorders of heart. Friends, अगर heart properly function नहीं करता है तो heart से related कौन कौन सी बीमारी हो सकता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहला बीमारी जो है वो है hypertension और जिसको हम high blood pressure बोलते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, जो पहला मतलब मैक्सिमम लोगों को जो बीमारी होती है वो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा जो है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और नेक्स्ट वन जो है वो है एंगिना, एंगिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। और फोर्थ वन जो है जो कि मैक्सिमम होता है और कॉमन है वो है हार्ट फेलियर। तो अभी हम इन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, हमें पता है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर किसी रीजन की वजह से ये ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा होता है, मतलब सपोज 140/90 हो गया, और यही ब्लड प्रेशर जो रीडिंग हम कराते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर कराते हैं डॉक्टर के पास जाके स्पिग्मोमैनोमीटर के साथ छू, तो ये अगर ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा रहा, सपोज 140/90 रहा, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड की फ्लो होता है आर्टरीज के थ्रू हार्ट से जो ब्लड जाता है वो बहुत स्पीड से जाता है, इतना स्पीड से जाता है कि जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है वो रप्चर हो सकता है, टूट सकता है, और टूटने की वजह से क्या होता है, क्लॉट हो जाता है और ब्लड आगे नहीं जा पाता है। तो इस केस में डेथ भी हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, डेथ हो जाता है, ज़्यादा जाने की वजह से नस फट गया, फिर एक जगह पे ब्लड जम गया, एक जगह पे ब्लड का क्लॉटिंग हो गया, जम गया, आगे ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो बाद में उस पेशेंट का डेथ हो गया। तो ये इसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, इफ द ब्लड प्रेशर एक्सीड्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल 120/80 mmHg दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। एंड दिस कैन बी अकर ड्यू टू इनटेक ऑफ oily food and fast food, because the oily foods are get deposited inside the inner walls of the artery. Artery का वैसे भी आपको पता है
तो ल्यूमेन है वो ठीक है। और इसमें ऑयल जम जाने की वजह से क्या होता है, इसका पैसेज नैरो हो जाता है। जब आप पाइप के थ्रू पानी डालते हो, अगर आप ऐसे छोड़ दो तो प्रेशर बढ़िया से जाएगा, पर अगर आप उसको दबा देते हो थोड़ा सा या फिर पतला और नैरो कर देते हो तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हट भी सकता है। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी यही होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। इस डिजीज का साइंटिफिक और डॉक्टर वाला नेम क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं जो हार्ट मसल्स के पास ब्लड सप्लाई करते हैं वो अफेक्ट होते हैं। The vessels that supplies blood towards the heart muscles get affected. और ये क्यों होता है, कैल्शियम हार्ट कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिट की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं किसमें, इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स हार्ट के पास ब्लड सप्लाई करते हैं उनमें एक्सेस कैल्शियम फैट और कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते हैं सही तरह से। ठीक है, और ये क्या होता है, जो आर्टरीज का ल्यूमेन होता है, जैसे मैंने ब्लड प्रेशर के केस में बताया था, आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है इसको और ज़्यादा थिक बना देता है, थिक ल्यूमेन और ज़्यादा थिक बना देता है। तो ब्लड क्या होता है, बहुत स्पीड से जाता है, फिर से रप्चर होता है, सेम कंडीशन। नेक्स्ट है आपका एनगिना, एनगिना क्या है, इसको एनगिना पेक्टोरिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, एनगिना पेक्टोरिस बोल सकते हैं। तो ये बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होगा कि जो पर्सन है उसमें एक्यूट चेस्ट पेन होगा। एक्यूट मतलब रुक रुक के थोड़ा थोड़ा, जैसे आज मेरे चेस्ट में पेन हुआ, दो दिन छोड़ के फिर पेन होगा, तो ये नॉर्मली मिडिल एज्ड और जो एल्डर पर्सन होते हैं, मतलब जिनको जिनका एज 40-50 साल होता है या फिर 70-80 साल होता है, उनमें ये एनगिना जो बीमारी है, एनगिना पेक्टोरिस दिखती है। इसमें भी क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो हार्ट मसल के पास सही से नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन कांट रीच टू द हार्ट मसल्स। सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है, इसलिए ये जो है कॉमन है। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करता है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द ब्लड फ्लो, इट कैन अफेक्ट द ब्लड फ्लो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल फाइबर इनकी डिपॉजिट होने की वजह से जो आर्टरी की ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है, नैरो होने की वजह से क्या होता है, ब्लड स्पीड से जाता है और स्पीड से जाने की वजह से ये रप्चर भी हो सकता है, इसमें भी हार्ट मसल्स के पास ब्लड पहुंच नहीं पाता है। फिर एनगिना के बारे में बताया, इसको एनगिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, ये मिडिल एज्ड मेन वुमेन दोनों में ही कॉमन होती है और एल्डर पर्सन में भी होती है। और इसमें क्या होता है, जो हार्ट मसल्स है इसके पास सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और ये क्या कर सकता है, ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो है हार्ट फेलियर, जो कि मोस्ट कॉमन है, ये कॉमन डिजीज है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, किसी इंसान का डेथ नहीं होता है, इसमें जो हार्ट बीट है वो धीरे 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 कम हो जाता है, 72 टाइम्स पर मिनट होना चाहिए, पर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स जो होते हैं इनकी हार्ट बीट कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगता है और हार्ट के पास ब्लड पहुँचता तो है पर सफिशियंट नहीं पहुंचता है। हार्ट फेलियर अलग है, हार्ट अटैक अलग है, और जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट फंक्शनिंग कम्प्लीटली बंद हो जाता है और इंसान का डेथ हो जाता है, पर हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और ब्लड की सप्लाई होती है वो हार्ट के पास सही से पहुंच नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड पंपिंग सही से नहीं हो पाता है। ठीक है,
और कभी कभी हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड को पंपिंग हार्ट नहीं कर पाता है जिस रेट से करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। दोबारा से मैंने बोला, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक ये दोनों अलग अलग है। हार्ट फेलियर में क्या होगा, ब्लड पंपिंग सही से नहीं हो पाएगा और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। पर कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट कंप्लीटली फंक्शन करना बंद कर देता है, क्लियर है। और जिसको हम हार्ट बीट भी बोल सकते हैं। और ये होता है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड ही तो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो ये चार मेजर डिजीज, बहुत सारे डिजीज होते हैं हार्ट से रिलेटेड, बट ये चार मेजर डिजीज है जो ह्यूमन सोसाइटी में मेनी पर्सन्स अफेक्टेड है। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक एंड कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर 18। सो वी विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर इन 2 पीरियड्स, देन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर।